जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम फिर हाजिर हैं आपके लिए ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। हम आज पढ़ने वाले हैं क्यों अर्थ क्यों एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। हम बात करने वाले हैं एक मैग्नेटोस्फीयर की। हम बात करने वाले हैं अर्थ के अंदर वो मैग्नेट कैसे प्रोड्यूस होता है और वो कैसे इफेक्ट करता है अर्थ में हो रही आपकी जितनी भी चेंजेज हैं, अर्थ के ऊपर जो आपका कंपास है उसको, एक हवाई जहाज उड़ता है उसमें लगे कंपास को इतना दूर तक कैसे, ये मैग्नेट कितना पावरफुल है मैग्नेट, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नॉलेज ग्रंथ को जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियो को कंप्लीट किया है, बहुत सारे टॉपिक्स, अर्थ के टॉपिक को हमने पूरा ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है कि अर्थ के ओरिजिन से लेकर बिग बैंग थ्योरी से लेकर सोलर सिस्टम से लेकर सन के ओरिजिन से लेकर अर्थ की जितनी लेयर है, क्रस्ट के बारे में, मेंटल के बारे में, कोर के बारे में, हमने सब कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल में कंप्लीट किया। आप जाके वो वीडियो देखिए, आपका बहुत ज़्यादा सिलेबस जो है कंप्लीट होने वाला है, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं, ये हम इंश्योर करते हैं आपको। तो चलिए, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम कंपास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज़ आती है, मैग्नेट, क्योंकि कंपास का हमेशा जो डायरेक्शन होता है मोस्टली नॉर्थ साइड होता है। तो ये कैसे काम करता है, तो उसका आंसर हमारे पास होता है मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व की वजह से। हम हमेशा जानते हैं कि कंपास के अंदर जो होता है मैग्नेट होता है, जिसकी वजह से कंपास जो है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बताता है, और जिसकी वजह से कंपास के बहुत ज़्यादा यूजेज बढ़ जाते हैं। जब आपका कोई शिप जो है सेल करता है, जब कोई एयरक्राफ्ट हवाई जहाज फ्लाई करता है, या कोई जब आर्मी अपना ऑपरेशन करती है, तो उस समय कंपास का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको पता है। तो एक कंपास जो है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से काम करता है, यह आपने बचपन से सुना होगा। लेकिन आपको ये पता नहीं होगा कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे काम करता है, क्योंकि हमको दिखता तो है नहीं, ये टोटली इनविजुअल है, बट हम इसको फील तो कर पाते हैं। तो आज हम सब कुछ समझने वाले हैं कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से है, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिसको आपको पूरी बात समझ में आए। अगर हम अर्थ के कोर की बात करें, इसके पहले हमने बात की थी कि अर्थ जो होती है, हमको चार लेयर हमारे अर्थ की पता थी। हमने एक फिफ्थ लेयर की बात की थी, लेकिन वो अभी आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में आपको सुनने को मिलने वाला है कि अर्थ के पांच लेयर है। पहला लेयर हमने क्रस्ट की बात की थी, फिर हमने मेंटल की बात की थी, आउटर कोर की बात की थी, इनर कोर की बात की थी। तो ये जो अर्थ का कोर है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करता है। मैग्नेट दो टाइप का होता है, जैसे आपका एक परमानेंट मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट जो आपने बचपन में देखा होगा ब्लैक कलर का, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है कि क्वाइल होती है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो करवाते हैं तो वो एक बिहेव करती है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह, जिस तरह आपका घर का फैन काम करता है, आपका कूलर काम करता है, ठीक है, वो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे ही काम करता है, ठीक है। आपका आपने क्वाइल देखी होगी कभी, आपने अगर घर पे देखा हो तो, ठीक है। तो यह आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बारे में। तो आपका जो क्रस्ट है हमें पता है सॉलिड है, लेकिन आपका जो कोर है वो इनर कोर जो है तो काफ़ी सॉलिड है, काफ़ी डेंस है, बट जो आपका आउटर कोर है वो मोल्टन मैग्मा से बना हुआ है, उसके अंदर बहुत सारे आयरन और निकल के बहुत सारे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो फ्लोट करते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो करेंट्स हैं, इसके अंदर जो करेंट प्रोड्यूस होता है वो आपका हंड्रेड ऑफ माइल्स वाइड और थाउजेंड ऑफ माइल्स दूर पर आज तक फ्लो होता है, जो अर्थ के रोटेशन की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो आपका कोर है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और यही मैग्नेटिक फील्ड आपका अर्थ के क्रस्ट पे और इवन आपका स्पेस में जो हवाई जहाज उड़ता है उसको भी इफेक्ट करता है। उसमें जो कंपास लगा होता है वो हमें ये देखने में मदद करता है। तो हम जानेंगे कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर आप देखें, ये आपका इनर कोर है या आपका आउटर कोर है। इनर कोर काफ़ी सॉलिड होता है और आउटर कोर जो होता है वो मोल्टन मैग्मा के रूप में होता है, ठीक है, जो अर्थ के रोटेशन के साथ ही घूमता रहता है। इसके अंदर आयंस घूमते रहते हैं और इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, और हमें पता है कोई भी चीज़ जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हो जाता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडेज लॉ पढ़ा है, फैराडे का लॉ आपने अगर पढ़ा हो, फैराडेज लॉ हमने फिजिक्स में पढ़ा है सबने, ट्वेल्थ में, एलेवेंथ में, ट्वेल्थ में पढ़ा है कि जब कोई चीज़ जिस किसी भी कंडक्टर मतलब किसी भी तार में कोई भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है उसका एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। तो यही बात है, इसमें जो छोटे छोटे आयंस है, जो छोटे छोटे आयरन्स और निकिल के छोटे छोटे पार्टिकल जो फ्लोट करते हैं अर्थ के रोटेशन के साथ रोटेट होते हैं, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हमको पता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की तरह काम करते हैं, जो फ्लोटिंग आपका मतलब ये जो रोटेट हो रहे हैं आयरन और निकल के जो आपके पार्टिकल्स हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करने लगते हैं।
और इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो कोर है आपका। कोर का स्पीड जो होता है वो आउटर कोर से थोड़ा कम होता है, बिकॉज ये आपका आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में, इनर कोर जो है आपका सॉलिड स्टेट में। तो जैसे आपने घर का, अगर आप घर में अगर बाल्टी, आपने बाल्टी में बकेट में पानी भर के अगर उसको घुमाएंगे तो अगर बकेट रोक भी देते हैं तो आपका जो पानी होता है कुछ देर तक रोटेट करता रहता है। न्यूटन्स लॉ जो आपका कहता है, पहला लॉ जो कहता है कि अगर जो इस चीज़ जिस स्थिति में उसी स्थिति में रहना चाहिए तो उसके अंदर जो मोटर मैटर घूमता रहता है तो इसकी स्पीड थोड़ा सा इससे ज़्यादा तेज हो जाती है, आपका इनर कोर से ज़्यादा तेज हो जाती है। तो इन दोनों के स्पीड डिफरेंस की वजह से ये दोनों का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है और यही मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आपको दिखाई देता है, फील होता है। इसके बारे में डिटेल्स में आगे पूरी वीडियो ध्यान से देखिए, आप फिर समझने वाले हैं, ठीक है। तो हम ये बात करें तो इसके पहले हमको बात करनी होगी डायनेमो थ्योरी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपको डायनेमो के बारे में अगर आपने सुना हो तो डायनेमो एक ऐसा डिवाइस होता है जिसको हम, जो आपका रोटर होता है उसको हम रोटेट करते हैं किसी तरह से। जब उसको हम रोटेट करते हैं तो उसका जो बाहर वाले आपका कॉइल्स होती है उनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जैसे कि आपने हाइड्रो डायनेमो सुना हो, जैसे हम पानी से विद्युत पैदा करते हैं, जनरेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है आपका रोटर को जो होता है रोटेट कराया जाता है पानी के थ्रू। टर्बाइन होता है, इसके अंदर पानी इस पर गिराया जाता है और ये अब रोटेट करता है। तो इसके रोटेट करने से इसके अंदर जो कंडक्टर लगे हुए हैं, देखिए ये तार जो जा रहा है, इनमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देती है, ये दोनों एक दूसरे को मैग्नेटाइज कर देते हैं और यही प्रोसेस आपका चलता रहता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो अर्थ के कोर को हम इससे अगर कंपेयर करें, इसलिए मैंने दो आपका दिया है, ये हमने घर के डायनेमो की बात की है। आप कोई फैन देखिए, घर का फैन या घर में जो जनरेटर होता है तो उसके अंदर सब में यही टेक्निक यूज की जाती है। तो अर्थ का कोर जो है इट विल रिएक्ट लाइक आपका, ये देखिए आप इसका जो रोटर है उसकी तरह काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाहर जो कोर्स हैं, देखिए इसमें तार बंधे हुए हैं, वायर बंधे हुए हैं, ये वायर जो है ये मैग्नेटाइज होते हैं और इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह जो आउटर कोर है, तो आउटर कोर में मैंने आपको बताया कि आपका आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इट विल, अगर आप इसको ध्यान से देखें आयरन के पार्टिकल को, तो आपको एक तार की जैसे लगेंगे कि जैसे इसके चारों तार बंधा हुआ है, वायर बंधा हुआ है, जैसे ही ये वायर बंधे हुए हैं, ठीक है। तो वो जब रोटेट करते, ये भी रोटेट कर रहा है, वो भी रोटेट कर रहा है, तो जब ये रोटेट कर रहा है तो ऊपर इसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड कम है, तो ये रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आउटर कोर जो होता है तो उसके अंदर जो आयरन के पार्टिकल फ्लोट हो रहे हैं तो उनमें एक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो अगर ये आयरन के पार्टिकल भी फ्लोट कर रहे हैं तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और ये इलेक्ट्रिसिटी का एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा, जो मैग्नेटिक फील्ड आपके इनर कोर को क्या करेगा, क्योंकि इनर कोर में भी आपका आयरन होने के लिए उसको मैग्नेटाइज कर देगा। तो जब इसको मैग्नेटाइज कर देगा तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, और इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, हर इलेक्ट्रिसिटी का एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसको तो मैग्नेटाइज किया और इसमें जो करंट फ्लो रहा था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ। तो इन दोनों का मैग्नेटिक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ही अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये आपको समझ जाना चाहिए। समझ में आपको आया? चलिए एक बार थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कैसे। देखिए आपका जो अर्थ का कोर है रोटेट हो रहा है क्योंकि अर्थ आपको घूम रही है, आपको पता है अर्थ रोटेट हो रही है, ठीक है। और आपका आउटर कोर जो है वो मोल्टन है, मैग, तो मोल्टन चीज जो है लिक्विड चीज थोड़ा ज़्यादा तेज आपका घूम रही है, ये आपका धीरे अर्थ की स्पीड के साथ घूम रहा है। तो ये इसकी स्पीड और इसकी स्पीड मैच नहीं कर रहे हैं आपस में, ये ज़्यादा तेज है। तो इसका जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ उसका एक मैग्नेटिक फील्ड हुआ और उसने क्या किया, इनर कोर को मैग्नेटाइज कर दिया, क्योंकि इनर कोर भी आपका आयरन और ही है। जैसे आपने देखा होगा कभी आपने किसी लोहे को रगड़ दीजिए कुछ देर तक फ्रिक्शन की वजह से, तो उसके अंदर मैग्नेट आया था, किसी स्क्रू ड्राइवर को या किसी पेचकस को आपको देखा रगड़ के कभी हम यूज करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह इसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसके अंदर भी आयरन और निकिल है, तो आयरन और निकिल में ये बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी होती है कि वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और ये कोर जो है बहुत ज़्यादा डेंस, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा मतलब हॉट है। तो इसकी वजह से क्या होगा, इसका एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है वही मैग्नेटिक फील्ड है जो हम लोग फील करते हैं अर्थ के बाहर, ठीक है। तो डायनेमो थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको ये मैकेनिज्म देती है कि कोई सेलेस्टियल बॉडी अर्थ, जैसे कि अर्थ आपका, वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है जो आपका कई सालों तक, मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलता आ रहा है। और डायनेमो थ्योरी जो आपका कन्वेक्शन ऑफ आउटर कोर, जैसे कि मैंने बताया आउटर कोर में जो आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो फ्लोट होते हैं, उसको हम लोग कन्वेक्शन कहते हैं। और यही कन्वेक्शन जो होता है वो आपका किस वजह से होता है, एक तो कोरिओलिसिस फोर्स की वजह से और एक अर्थ के रोटेशन की वजह से। कोरिओलिसिस फोर्स के बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोरिओलिसिस फोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जब हम विंड के बारे में बात करते हैं कि विंड का जो डायरेक्शन होता है क्यों चेंज होता है, ठीक है। जब हम
आपका ये पढ़ेंगे, आपका 4 टीज पढ़ेंगे और 6 टीज पढ़ेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका स्नोरिंग बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपका पढ़ते हैं क्या, हॉर्स लैटिट्यूड पढ़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आपका जब हम विंड्स पढ़ेंगे, आपका ट्रॉपिकल विंड्स पढ़ेंगे और आपका इक्वेटोरियल विंड्स पढ़ते हैं ना, तो उसका डायरेक्शन पता करने में कोरिओसिस फोर्स बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि अर्थ का रोटेशन और कोरिओसिस फोर्स की वजह से इसके अंदर जो आपका रोटेशन है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिसको हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अर्थ विल रिएक्ट लाइक ए जियोडायनमो, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करें मैकेनिज्म, सिंपल वही चीज़ की बात कर रहे हैं कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोड्यूस होता है आपका आउटर कोर की वजह से। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स, कि आउटर कोर की वजह से, इनर कोर की वजह से, या आपका मेंटल की वजह से, या कोर की वजह से। इसका आंसर है आउटर कोर की वजह से। इनर कोर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ये बोल रहा है कि आपका आउटर कोर का प्रेशर जो होता है लोअर होता है इनर कोर। जैसे जैसे हमको पता है हम क्रस्ट से नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं डेंसिटी बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं टेम्परेचर बढ़ता जाता है, ठीक है। तो आपका आउटर कोर का टेम्परेचर 4400 डिग्री सेल्सियस और इनर कोर का 6000 डिग्री सेल्सियस। जो हीट सोर्स है वो कहाँ से आता है, तो एक तो आपका कंप्रेशन फोर्स से, जब किसी चीज़ को हम दबाते हैं, जैसे कि आपने घर पे देखा होगा पानी उबालने के लिए हम अगर उसके ऊपर कोई बर्तन रख देते हैं, कोई ढक देते हैं उसको, तो उसके अंदर प्रेशर बनता है, कंप्रेशन बनता है, इसकी वजह से उसका टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ता है। तो वही चीज़ है कंप्रेशन की वजह से। ऊपर से आपका एनर्जी रिलीज हो रही है, जो इनर कोर बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनर कोर आपको पता है नेबुला गैस से बना हुआ है, तो उसकी जो रेसिड्यूअल एनर्जी है, जो आपका जब ये अर्थ का प्रोड्यूस हो रहा था बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा है, तो आप अगर देखेंगे अर्थ बना कैसे, तो उसके अंदर एक एनर्जी रह गई थी जिसको रेसिड्यू एनर्जी कहते हैं, उसकी वजह से। और आपका रेडियो एक्टिव डिके जो होता है आपका पोटेशियम यूरेनियम और थोरियम की वजह से। ये 3 तरीके हैं, ऑल ऑफ देव, इसका कई बार आता है कि अर्थ के अंदर जो हीट प्रोड्यूस हो रही है किस वजह से प्रोड्यूस हो रही है। तो आपका जो टेम्परेचर में डिफरेंस है, प्रेशर में डिफरेंस है, कंपोजिशन में डिफरेंस है आपका, उसकी वजह से कन्वेक्शन करंट फ्लो होता है, जो आपका मोल्टन आयरन के रूप में होता है, जो हमने बात की है। और जो होता है वो आपका, आप ये बोल रहा है कि आपका आउटर कोर का जो होता है वो थोड़ा ठंडा होता है इनर कोर की अपेक्षा। तो जो आपका फ्लो ऑफ लिक्विड है, जो आयरन जनरेट कर रहा है, ठीक है, उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है उसकी वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, हमने बात की है, इसी को लिख दिया है इसने। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चार्ज मेटल जब पास होते हैं तो वो आप इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं, और इनकी एक साइकिल कंटिन्यू जैसी होती है, तो इनकी एक जियो डायनमो जैसे काम करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कोई चीज़ रोटेट होती है उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड इन दूसरे जो कंडक्टर या दूसरा जो बॉडी होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देते हैं, वही बोल रहा है। तो आपका स्पायरल मूवमेंट मतलब ऐसा वाला जो मूवमेंट है, तो जैसे बताया आयरन पार्टिकल जो होता है मूव करता रहता है। तो चार्ज पार्टिकल जो आपका कोरिओसिस फोर्स की वजह से होता है, तो उसका एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, वही मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वास्ट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द प्लैनेट कहते हैं। ये जो मैंने समझाया आपको लास्ट स्लाइड में, उसी को लिख दिया गया है, जिससे आपको, अगर आपको PDF चाहिए, आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करें मैग्नेटोस्फेयर की। मैग्नेटोस्फेयर क्या होता है कि आपका जो आयनोस्फेयर का ऊपर वाला रीजन होता है। आपने अगर एटमोसफेयर के बारे में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे वीडियो में पढ़ाने वाले हैं जब हम इसके बारे में बात करेंगे। एटमॉस्फेयर का हम लिथोस्फेयर की बात कर रहे हैं जैसे, तो आगे हम एटमॉस्फेयर की हम जब बात करेंगे तो हम बात करेंगे आपका आपका ट्रोपोस्फेयर का, स्ट्रेटोस्फेयर का, आयनोस्फेयर का, मेजोस्फेयर, एक्जोस्फेयर, सब के बारे में बात करेंगे। तो उसमें ही से एक जो पार्ट होता है आपका, ठीक है, एक्जोस्फेयर का ही कह सकते हैं उसको, तो उसका पार्ट होता है आपका आयनोस्फेयर। ये पार्ट होता है आपका थर्मोस्फेयर का, ठीक है, आयनोस्फेयर। तो आयनोस्फेयर में आयन होता है, आयन होता है मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होता है उसके मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यही मैग्नेटिक फील्ड आपका मैग्नेटोस्फेयर कहलाती है। तो मतलब जो आयनोस्फीयर उसके जस्ट ऊपर वाला फील्ड, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी भी अगर बॉडी में करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। तो आयनोस्फीयर में आयन्स हैं वहाँ पे, इसलिए इसका नाम आयनोस्फीयर पड़ता है। तो आयनोस्फीयर का बहुत ज़्यादा जरूरत, सैटेलाइट की जब हम यूज करते हैं तो बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। ये हम आगे डिटेल पढ़ने वाले हैं जब यूज ऑफ सैटेलाइट पढ़ेंगे, आयनोस्फीयर का आपका एडवांटेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसकी जो एक मैग्नेटिक फील्ड है उसी को हम लोग मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं। आयनोस्फीयर के जस्ट ऊपर वाला होता है, ये करीब आपका 1000 किलोमीटर स्पेस में फैला होता है, जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है। किससे? वो जो अर्थ को प्रोटेक्ट करता है आपका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आता है, क्योंकि सन का जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या सन का जो सोलर विंड होता है उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और चार्ज पार्टिकल्स। हम सन के बारे में जब बात करते हैं तो बात करते हैं कोरोना की, आउटर रिंग ऑफ द सन जो होता है उसको कोरोना कहते हैं, वो चार्ज पार्टिकल से बना होता है। और उसी का जो विंड होता है, मतलब उसका जो आपका अट्रैक्शन होता है
जो चार्ज पार्टिकल होते हैं उसी को हम सोलर विंड बोलते थे। तो यही जो पार्टिकल होता है उसको ये मैग्नेटोस्फीयर रिपेल कर देता है और अर्थ के अंदर आने नहीं देता, जिससे हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मैग। अब हम बात करते हैं कि मैग्नेटोस्फीयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैग्नेटोस्फीयर का। और अगर हम सन का मैग्नेटोस्फीयर की बात करें तो हेलियोस्फीयर उसको कहते हैं, क्योंकि हर चीज़ का एक मैग्नेटोस्फीयर। हम बोले जिस चीज़ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई, जिस चीज़ में भी आयन है, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड। सो सन का बाहर का जो कोरोना है, ठीक है, तो वो भी आयन से मिलकर, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। तो उसके बाहर का जो भी एरिया है उसको मैग्नेटोस्फीयर कहते हैं, वो मैग्नेटाइज एरिया होता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अब हम बात करें अगर मैग्नेटोपोज की। मैग्नेटोपोज, जैसे आपने हम एटमोस्फेयर की बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर का जो पार्ट होता है ट्रोपोपोज, मतलब एक जो ट्रांजिशन बाउंड्री होती है उसको हम लोग पोज बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रेटोस्फेयर और थर्मोस्फेयर का बीच का जो होता है उसको स्ट्रेटोपोज बोलते हैं। तो उसी तरह से मैग्नेटोपोज, मैग्नेटोपोज मतलब होता है आपका कि आपका जो सोलर विंड जो प्रेशर एग्जर्ट करती है अर्थ के अंदर, और अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड जो प्रेशर एग्जर्ट करता है। मतलब देखिए, आपका सन है, सन के जो चार्ज पार्टिकल है वो अर्थ की तरफ आना चाहते हैं, और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है काफी ऊपर तक फैला हुआ है, जैसा मैंने बताया आयनोस्फेयर तक फैला हुआ है, मैग्नेटोस्फेयर तक। तो ये मैग्नेटोस्फेयर उसको रोक देता है। तो ये जो बैलेंसिंग की कंडीशन होती है इसी मैग्नेटोपोज कहते हैं। मतलब यहाँ यहाँ पे दोनों बैलेंस हो जाती है, ये इसको इधर नहीं जान देता, ये इसको इधर नहीं जान देता। ठीक है, मतलब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाएगा, और सन सोलर का जो विंड आ रहा है वो नीचे तक नहीं आ पाता, वो एक जगह पे बैलेंस हो जाते हैं, उस जगह को हम लोग मैग्नेटोपॉज बोलते हैं। यही ये बोल रहा है, सिंपल। मैग्नेटोपॉज एरिया जहाँ पे आपका प्रेशर बैलेंस होता है, बाउंड्री जो होती है मैग्नेटोस्फीयर की, जहाँ पे आपका सोलर का प्रेशर और अर्थ का प्रेशर बैलेंस हो जाता है, इतना आपको ध्यान रखना। अब हम लोग बात करें मैग्नेटोशीथ की। मैग्नेटोशीथ का मतलब जो आपका टर्मिनेंट मैग्नेटिक रीजन है मैग्नेटोपॉज के बाद का, क्योंकि मैग्नेटोपॉज जो होगा वो भी थोड़ा सा मैग्नेटाइज एरिया होगा, बिकॉज यहाँ पे भी मैग्नेट है, यहाँ पे भी मैग्नेट है, क्योंकि तो अर्थ की जो आयन्स होते हैं वो भी मैग्नेटाइज है, और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड तो होती है। तो इसका जो जिस एक्सटेंड तक आपका मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसको मैग्नेटोशीथ कहते हैं। मतलब मैग्नेटोशीथ वो एरिया है जहाँ पे आपका अर्थ या सन का मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटोस्फीयर का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको हम लोग मैग्नेटोशीथ कहते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको उसकी पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करेंगे। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इन सब वीडियो को देखने के बाद आपको ना तो कुछ पढ़ने की कोई मटेरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना फ्री के लिए, ना मेंस के लिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।